It is always tough to say goodbye to the places you love. And trust me, Casa is one of them. I love Casa. Because, not because of its desert, just because I want to witness the snow. But, you know, due to the unfortunate, I couldn't able to witness snow. But, next time, kisko pata, hum snow witness kar paaye. So, it was time to say goodbye and move forward. चलते हैं आज की तरफ और आज का सफर स्टार्ट करते हैं 500 साल पुरानी मम्मी से, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, जो बहुत हाइट में है, काजा से कुछ किलोमीटर दूर और कुछ 4 घंटे का गाड़ी का सफर। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज साक्षी धंजल एंड सफर की पेटी बांध लीजिए क्योंकि सफर बहुत लंबा होने वाला है आज का। सो गाइस, हम पहुंचे हैं अभी दीव और हम निकल चुके हैं इस वक्त स्पीति से। और अभी टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 2 तो बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। हमने अपनी जर्नी 11:30 बजे स्टार्ट कर दिया। जैसा कि आप लोगों को पता है, स्पीति में बिल्कुल पानी की प्रॉब्लम है। सो हम कॉमन वॉशरूम यूज़ कर रहे थे सारे के सारे, जिससे वैसे हम सबको प्रॉब्लम आई है समझ ज़्यादा कॉमन वॉशरूम के नाम पे, तो हम सबको प्रॉब्लम आई है। हमारे यहाँ ड्यू घुसते ही पर्ची कटी है, कुछ पता नहीं कितने की, हमारे कितने की पर्ची कटी है शिव से पूछो ज़रा, कुछ आवाज़ मारो शिव, कितने की पर्ची कटती है यहाँ पे? 30 की। ओके, हम पूरे ग्रुप के साथ हैं फिलहाल और हम आज बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। पहले हम शायद मम्मी भी एक्सप्लोर करेंगे, जो 500 साल पुरानी मम्मी, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा स्पीति में। एंड अभी हम बेसिकली काजा से निकले, नॉट स्पीति से, हम काजा से निकले हैं। हमारा प्लान आज रात तक कल्पा टच करने का है। एंड पता है मेरे को एक चीज़ बहुत स्ट्रेंज लगती है, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, मैं जब भी यहाँ पे पत्थर देखती हूँ ना, तो देर आर रिटन सम काइंड ऑफ मंत्रास, और ये तिब्बतन लैंग्वेज में, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। तो आपको लोगों को इस चीज़ का कुछ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। हमें चाइना बॉर्डर के पास और टाइम बदल चुके हैं फोनों में 4:29, मेरे फोन में हो रहा है 16:29, जैसे कि मैंने की अमेरिकन टाइम के हिसाब से सेट कर रखा है। और ये अभी बदला है कुछ ही फ़ोनों में, क्योंकि ये बॉर्डर जो पड़ता है, ये पड़ता है आपका चाइना, तुम्हारा फोन नकली है, इसलिए बदला। मेरी वॉच में बदल गया गाइस, वॉच भी तो है मेरे पास। यस इट्स गाइस, मेरी वॉच में टाइम बदल चुका है। गाइस, ये हमेशा ढके हुए रहते हैं, ये दोनों कपल्स हमारे सामने। सो गाइस, हाउ यू फील टुडे? ढके हुए लोगों, वो देखो, तुम्हें कैमरा शाय पसंद? फीलिंग चिली चिली, माय गॉड। शिव, व्हाट इज वेयर आर वी राइट नाउ? पता है मुझे कुछ ड्यू मम्मी, ड्यू मम्मी। अच्छा, वो जो 500 साल पुराना काजा वाली मम्मी है, शी वेरी फेमस, वो इसी तरह इसके अंदर है। अच्छा, सो दिस इज वेरी एक्साइटिंग। एंड पता है ये मतलब हमारा टाइम चेंज हो गया, मींस वी आर इन एट चाइना बॉर्डर राइट नाउ। So this is very near to, मतलब how much kilometer this is away from the China border? Simple. I think not more than 10-11-12. Really? So China can capture us anytime, guys. Check करो, मतलब China can capture us anytime. मतलब ये वही बात हो गई जब हम खड़े थे नथुला पास में। नथुला पास भी इतनी पास है, मतलब नथुला पास में कैसा है, वो तो वॉल है सिर्फ। सो हियर वी आर, जहाँ पे 500 साल पुरानी मम्मी और वेरी फेमस प्लेस, एज पीपल से इट इज इन स्पीति एंड इट्स इन साइड। सो वी हैव टू रिमूव अवर शूज बिफोर गोइंग इन साइड, और आई थिंक अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। अबाउट दी मम्मा, सो दिस इज अबाउट द प्लेस, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों में लिखा हुआ है। एंड आई गेस द मम्मा वाज फाउंड इन 1430। आफ्टर सीइंग दिस ओल्ड मॉन्क मॉमी, वी हैव विटनेस की सन और मून एक दूसरे के सामने हैं एक्सिस में। सो सन वाज आई गेस इन द चाइना बॉर्डर एंड द मून वाज इन आवर बॉर्डर एक तरीके से, सो इट वाज अमेजिंग टू सी दैट प्लेस। और उसके अलावा अगर आप टेंपल में ऊपर की तरफ जाओगे तो बहुत कुछ देख पाओगे, वो मिस मत करना। तिब्बतन कल्चर में बहुत सारे ड्रैगन्स बने देखे हैं मैंने हर जगह पे, पर मुझे ना इन ड्रैगन के पीछे सिर्फ एक ही साइंस लगती है, क्योंकि इनके यहाँ पे जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, तो वहाँ पे ड्रैगन्स का बहुत रोल होता है। और अगर आपको पता है कि रोल क्या होता है, जहाँ तक कि मुझे 0% आइडिया, जस्ट मैंने उनके कुछ फेस्टिवल्स देखे हैं, तो प्लीज़ मुझे वो भी बताओ कमेंट करके। वैसे आप भूल रहे हो, मैं आपको एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहूँगी, 10,000 सब्सक्राइबर पे मैं दे रही हूँ ह्यूज गिव अवे, जिसमें आप चांस पा सकते हो मेरे साथ ट्रैवल करने का। तो अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन क्लिक करो। सो गाइस, जब आप ऊपर की तरफ आते हो तो आपको कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं, एंड जैसा कि मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ, इतना सुंदर दृश्य, नीचे हमारी बसेस खड़ी हुई हैं। मैं आज तक इतने लोगों के साथ ट्रैवल नहीं करा, तो दिस इज़ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड लेट्स जस्ट गो डाउनस्टेयर, नीचे की सीढ़ियाँ कुछ
ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ियाँ सेम ही है, सो कुछ खतरनाक सी है मेरे लिए। खाना खा चुके हैं जो कि बहुत बेकार था, बट गुड न्यूज़ इज़ दिस, हम नाकुल लेक जा रहे हैं जो कि क्यों फेमस है उसके लिए आपको वॉक में बना लाना पड़ेगा। मेरी सांस इसलिए चढ़ी हुई है, हम बार बार ऊपर नीचे हो रहे हैं बस के, कौन सा वाला ऊपर नीचे, सीढ़ियों से ऊपर नीचे बस की। माय गॉड, अमन हिंगरा हैज सेंस ऑफ ह्यूमर। खैर नाकुल लेक कुछ उस तरफ है और वॉकिंग डिस्टेंस है, गाड़ी उतार नहीं। नाकू, हमने विटनेस किया इतने ब्यूटीफुल लैंडस्केप को और उसके साथ साथ हमने विटनेस किया फ्रोजन लेक को, और उसके अलावा अगर आप आइस स्केटिंग के फ़ैन हैं तो दिस इज़ समथिंग फॉर यू आल्सो। इज़न्ट इट ब्यूटीफुल, ये फीलिंग इतनी खूबसूरत थी और मैंने यहाँ ड्रोन फ्लाई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बट इतना इवनिंग हो चुकी थी कि वो व्यू कैप्चर नहीं हो पाया। हम वापस बस में आ चुके थे क्योंकि न्यू ईयर ही होने वाला है कुछ घंटों में, और हम इंजॉय कर रहे थे उससे पहले सॉन्ग्स में बस के अंदर डांस करके, और हम दूसरे बस वाले को भी छेड़ रहे थे। इट वॉज एक्चुअली अ फर्स्ट एक्सपीरियंस बट अमेजिंग। सो जस्ट रीच माइट कैसल एंड कैसल एक्चुअली, सो हमने सारे बैठ रहे हैं, उसकी ज़्यादा टेंशन है, मेरा भी सारा अपना भी, एंड वॉज सो फन एक्चुअली टुडे, बस में हमने डांस किया एंड वी आर ऑलरेडी हेयर, एंड आई गेस दिस इज गोना बी द बेस्ट डे बिकॉज दिस इज गोना बी बेस्ट नाइट, दिस इज अ न्यू ईयर नाइट, सो इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर टू मिश करना, हैप्पी न्यू ईयर टू यू गाइस। आगे हम लोग होटल में, सो दिस इज आवर रूम फॉर टू नाइट, मतलब 31 की रात का रूम है बेसिकली, एंड इट्स लाइक आई लव द रूम, देयर इज सुला, यस यू कैन सी सुला गाइस, एंड इट्स 31 नाइस टू, आई कैन हैव सुला, दैट्स माई डफल बैग जो मैं डिकैथलन से लेकर आई हूँ, एंड इट्स नाइस मगर मुझसे बस उठता नहीं है, इट्स वेरी हैवी। और आज हम लोग यहीं खत्म नहीं होगा, पार्टी दिखाई जाएगी, तो स्टे ट्यून फॉर द पार्टी एज वेल, चल रहे न्यू ईयर की पार्टी जिसमें हमारे पास गाने तक नहीं है अभी फिलहाल, पता नहीं कब तक गाने आएंगे, न्यू ईयर में 10 मिनट है। मैं आई थी स्ट्रेंजर्स के साथ बट एंड में जाते जाते यू नो that stranger have become one of the part of my life, my family kind of thing. And kabhi aapne aisa feel kara hai exchange, matlab you know not exchanger but strangers ke saath night, open new year night jaisi spend kari hai, so it was amazing experience. Thank you so much for watching and subscribing. I'll see you next time with the next video. Bye bye.